दोस्तों, आज मैं आया हूँ प्राण गौरांगो नर्सरी में। ये कलकत्ता के पास मुचीसा में एक नर्सरी है, प्राण गौरांगो नर्सरी। ये मेनली जो नींबू टाइप के जो पौधे होते हैं ये ग्रो करते हैं, और ये और भी बहुत तरह के पौधे करते हैं। ज़्यादातर जो फलों के पौधे होते हैं ये फलों के पौधे का ग्रो करते हैं। और चलिए मैं अंदर लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कितने कितने तरह के नींबुओं के टाइप के पौधे जो है वो लोग ग्रो कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल और आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैशन में आपका स्वागत है। और आज मैं जो नर्सरी में हूं, प्राण गौरांगो नर्सरी, और ये मुचीसा में कलकत्ता के पास एक नर्सरी है, और बहुत तरह के पौधे लगाते हैं फलों के, लेकिन मेनली जो नींबू टाइप के जो होते हैं उस तरह के सैकड़ों वैरायटी के जो नींबू टाइप होते हैं उसके पौधे लोग लगाते हैं। ये देखिए एक बिजोड़ा है, ये पोमेलो कहते हैं इसको, और इसका साइंटिफिक नेम है साइट्रस मैक्सिमा या साइट्रस ग्रैंडिस। देखिए ये एक छोटा सा पॉट है, छोटा सा नहीं, 24 इंच का पॉट है, और इसमें ये पौधे लगाए हुए हैं और कितने कितने सारे फल इसमें लगे हुए हैं। और ये जो पौधे हैं ये गार्डन में आप टेरेस में लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं, रूफ में लगा सकते हैं, और इस तरह का जो फलो है ये फले उसको ग्रो करेंगे। और मैं दिखाता हूँ आसपास में कितने सारे पौधे। ये देखिए एक, ये भी एक लेमन टाइप है, कितने तरह के अलग अलग टाइप के लेमन है, इसके भी 3-4 इंच के डायमीटर का फलो है, ये भी कितने सारे फले हुए हैं। और चलिए मैं लेकर चलता हूँ कितना कितने सारे पोमेलो। ये देखिए करीब 8 इंच डायमीटर का ये फल है ये, और एक एक पौधे में अगर 3-4 लग जाए आपके तो उसको आपको सपोर्ट देना पड़ेगा कितना सारा। ये देखिए एक पोमेलो है यहाँ पर लगा हुआ है, और सारे जो पौधे हैं ये करीब 5 से 6 फुट ऊंचे पौधे हैं, और इसको आप आराम से टेरेस में लगा सकते हैं या अपने के घरों के जो बाहर का आंगिना है उसमें लगा सकते हैं। तो ये सारे देखिए ये कैसे कैसे ये पोमेलो ग्रो कर रहे हैं, और कितने कितने तरह के पौधे हैं, कितने तरह के फलों लगे हुए हैं। आपके घर में भी आप लगाइए तो देखिए, और किसी तरह से कटिंग कहीं से खरीदिए और लगाइए, आपको यहाँ बहुत अच्छा फल हो देगा। तो दोस्तों ये सारे जो है अलग अलग तरह के साइट्रस फ्रूट्स हैं, जितने नींबू टाइप के हैं। ये एक लेमन है छोटा सा, अलग टाइप का, अलग अलग जातों के, सैकड़ों जातों के जो है फ्रूट, साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, साइट्रस लैटिफोलिया, जितने जितने तरह के साइंटिफिक नेम के जो पौधे होते हैं नींबूओं के, तो वो यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो ये फल मैं दिखाता हूँ आपको सारे, एक एक करके पौधे में दिखाता हूँ आपको। चलिए, और इसमें जो छोटे नींबू हैं इसको कहते हैं साइट्रस मेडिका और साइट्रस माइक्रांथा, अलग अलग साइंटिफिक नेम के हैं, अलग अलग टाइप के पौधे हैं। और आप ये लगाइए पौधे घर में, आपको बाहर और नींबू खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक एक पौधे में सैकड़ों नींबू लगेंगे आपके। और जितनी तरह के वैरायटी का आप नाम कह सकते हैं नींबूओं में, सारे आपको इस नर्सरी में मिल जाएंगे। और देखिए ये काफ़ी सारे नींबू हैं, करीब ये 3-4 इंच डायमीटर के होते हैं, और एक पौधे में देखिए करीब सैकड़ों नींबू लगे हुए हैं। इसको आपने सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा फर्टिलाइज करना है, उसको केयर करना है, आपके नींबू बन जाएंगे। और देखिए और एक पौधा, इसमें एक जो कैन है या पॉट में कितने सारे फल लगे हुए हैं, जस्ट केयर करना है आपको, पानी देना है, केयर करना है आपको, इस तरह से आपको उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है इसको कहते हैं मौसम्बी, हम जो मौसम्बी खाते हैं ये मौसम्बी का पौधा है, और इसका साइंटिफिक नेम है साइट्रस लेमेटा, और इसको स्वीट लेमन भी कहते हैं। तो इस तरह का एक पौधा आप लगा के आपके घर में पॉट में, तो साइट्रस फ्रूट जो है मौसम्बी है, आप लगा सकते हैं घर में और आप मौसम्बी पा सकते हैं। तरह तरह के जितनी तरह के भी नींबू हैं ये मौसम्बी, ये मीठी मौसम्बी आप आराम से लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको घुमा के लाता हूँ नर्सरी। ये देखिए कैसे ये पौधे बनाए हुए हैं नर्सरी के, ये पौधे कटिंग करके, एयर लेयरिंग कटिंग करके ये बनाते हैं छोटे पौधे, फिर धीरे से ग्रो करते हैं 4 इंच पॉट में। उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो इसको 6 इंच या 8 इंच के प्लास्टिक के कैरीबैग के पॉट जो होते हैं, प्लास्टिक के पॉट, उसमें ग्रो करते हैं, और इस तरह से ये बेचते हैं इसको पौधे को। ये देखिए ये करीब 4 इंच पॉट में, प्लास्टिक बैग में इसको ग्रो किया हुआ है, और ये जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको 8 इंच पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये रेडी है सेल के लिए। ये आप इस तरह के एक पौधा आप खरीद लीजिए नर्सरी से और आपके घर में उगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाया काफ़ी सारे, यहाँ पर सैकड़ों हैं, सारे पौधे दिखाना मुश्किल है, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको कहते हैं संतरा। संतरा का ये पौधा है,
और ये मीठा मीठा संतरा है, अभी तो ये हरे हैं और थोड़ा पक जाएंगे तो ये पूरे पीले हो जाएंगे ये संतरे। एक एक पौधे में बहुत सारे संतरे लगते हैं, तो इसके साइंटिफिक नेम है साइट्रस साइनेंसिस, और ये हम संतरे कहते हैं इसको, तो कमला भी कहते हैं, कमला नींबू। और इस तरह के जो पौधे हैं, सारे पौधे आपको इस जो नर्सरी है इसमें मिल जाएंगे। और आप ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। अगर आप चाहे तो इसमें लाइक दे सकते हैं इसको, और अगर आप चाहे तो दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारे पौधे के बारे में आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बींग विथ अस, सो मेनी थैंक्स।